असलम लेट्स गेट राइटिंग हम बात कर रहे हैं क्रिएटिव नॉन फिक्शन की नारीटिव नॉन फिक्शन जो था दैट वॉज स्टोरी टेलिंग क्रिएटिव नॉन फिक्शन इज़ टेकिंग एट वन स्टेप फर्दर वेयर वी आर टेलिंग ट्रू स्टोरीज़ विच आर एक्सट्रीमली वेल टोल्ड तो जहाँ नारीटिव जो है वो ट्रू स्टोरीज़ बता रहा है और स्टोरीज़ बताना शुरू करता है रान जस्ट प्रजेंटिंग फैक्ट्स क्रिएटिव नॉन फिक्शन ट्रू स्टोरीज एक बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग ड्रामेटिक तरीके से बताता है विविड डिटेल्स के साथ एक ड्रामा के एलिमेंट के साथ थोड़ा सा एजुकेशन जो है उसमें क्रिएटिविटी uh, आती है जो लव्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो एडजेक्टिव्स इस्तेमाल होते हैं वो क्वालिटी uh, एडजेक्टिव्स होते हैं सो दोज़ आर द व्हाई इट बिकम्स मोर एंड मोर क्रिएटिव एंड मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग सो दीज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएटिव नॉन फिक्शन दैट वी हैव आर पर्सनल ऐसेज अब पर्सनल ऐसेज जो हैं वो आपकी पर्सन के बारे में होते हैं देर अबाउट यू सो देर अट्टोरी अबाउट यू विच सेंट्रलाइज अराउंड यू आपकी सच्चाई आपकी अपनी कहानी आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनकी सच्चाई उनकी कहानी उसके ऊपर बेस करके आप लिखते हैं ये आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो मेमोआर्स लिखने का बहुत क्रेज़ हो गया बहुत लोग लिखते हैं वेदर दे आर फेमस और दे आर नॉट फेमस देर समाट फेमस सो यू फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल राइटिंग मेमोर्स ये जर्नल के तौर पे भी हो सकते हैं बायोग्राफीज़ भी हो सकती हैं ऑटोबायोग्राफीज़ भी हो सकती हैं ये तो इतने पॉपुलर होते जा रहे हैं कि इनके ऊपर पूरी पूरी फिल्में बनना शुरू हो गई हैं और ये बहुत ज़्यादा और आर्ट फॉर्म जो है वो लेते चले जा रहे हैं बिकॉज दे आर क्रिएटिव पीपल लव रीडिंग अबाउट योर लाइफ They love reading about uh, the interesting things that have happened to real people. So you know, whenever a video or a movie or a book says based on a true story," that is where creative nonfiction kicks in. And people get really interested in this, and there is a huge job market for this. There are lots of readers who are wanting to read it, so if you become a ghostwriter for something like this, is literary journalism. जहाँ हम पर्सनल एसेज और मेमोर्स और बायोग्राफीज और बायोग्राफीज़ में पर्सनल की बात कर रहे हैं लिटरेरी जर्नलिज्म में हम पब्लिक की बात करते हैं यानी कि जो पब्लिक्स के साथ होता है ये एक हिस्टोरिक इवेंट भी हो सकता है क्राइसिस भी हो सकता है जैसे आजकल वाटर क्राइसिस चल रहा है अगर हम इसके ऊपर एक पूरी कहानी बेस कर दें जिसमें हम बताएं कि जी थर में पानी की किल्लत थी वहाँ पर एक बंदे ने या एक ख़ानदान ने अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए एक ट्यूबवेल uh, खोदा well और वहाँ पर पानी लेकर आया और वो पूरा एक सिस्टम हम वो जो एक कहानी है वो एज अ जर्नलिस्टिक पीस या लिटररी जर्नलिस्टिक पीस अगर हम लिखते हैं तो वो पब्लिक के लिए होता है इट्स अबाउट द पब्लिक इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस वन पर्सन और वन इंडिविजुअल एंड इट बिकम्स अबाउट द पब्लिक येट इट इज़ नॉन फिक्शन द रेस्ट इज़ वी टॉक्ट अबाउट इज़ ऑटोबायोग्राफी ट्रैवल एंड फूड राइटिंग इज़ बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग खासतौर पर ब्लॉग्स बहुत लिखे जाते हैं इसके ऊपर फैक्चुअल होते हैं आप कहीं गए आपने देखा आपने उसके बारे में लिखा पैरिस के बारे में लिखा हाउ रोमांटिक इट वॉज हाउ ब्यूटिफुल इट वॉज हाउ मच हिस्ट्री एंड कल्चर देर इज़ एंड सिमिलरली वैन यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट फूड ऑफ दैट ऑफ पैरिस यू टॉक अबाउट ब्रेड एंड चीज़ एंड सो मैनी अदर Um, exquisite cuisine that is part of Paris. And this becomes travel writing, food writing, but done in an extremely creative manner where you are evoking the senses, taste ke, smell ke, sight ke. So when you start employing all of these uh, which have traditionally been fictional ways of writing, into non-fiction, making it a little more vivid and dramatic, wo creative non-fiction ho hai. So. We have said biographies and profiles are also part of this type of writing. So, it, reading an excerpt, just to give you an example, would be I didn't like my name. Violetta wasn't a proud bloom. Like the sunflower that shot straight up and turned its white face to stare at the sun, Violetta was a shy flower that crouched in the shadowy corners of the garden. Violetta had furry leaves and flowers with bowed heads. Violetta, the colour of a bruise. I thought, not Violetta, the colour of royal robes. So a big lady ki nam ki barime batari ki uvo nam name. She doesn't like her name. So she's telling us very it's a factual information, Uska nam Violetta hai. शी डज़ like लाइक name. नेम मगर चूंकि अब क्रिएटिव नॉन फिक्शन की तरह लिख रहे हैं तो हम थोड़ा सा इसको ड्रामेटिक करते हैं उसने कंपैरिजन किया है कि जो सनफ्लावर है वो कितना खूबसूरत होता है सूरज की तरफ देखता है सीधा खड़ा होता है मगर वायलिटर जो है वो एक शाई फ्लावर है वो इतना दबा 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 रहता है उसका जो कलर है वो चोट से रिजेंबल करता है सो यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ मच शी डिसाइक्स हेम because she is creating that vivid uh, imagery that goes with disliking her name violetta so how do we write creative nonfiction writing is reading throughout the creative writing course we've talked about how important it is pahna's ruri likhne se pehle or creative writing or creative nonfiction killie jobi characters you up andar जब आप उस कैरेक्टर की तरह सोचेंगे लिखेंगे पढ़ेंगे उठेंगे तो वो कैरेक्टर जो है वो जिंदा होना शुरू हो जाता है इवन दो इट्स बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स बी ऑनेस्ट अबाउट द लिमिट्स ऑफ योर मेमोरी यानी कि अगर आप ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं और आपको कोई इंसिडेंट याद नहीं है तो आप बेशक लिख दें कि मुझे को खास याद नहीं है मगर मेरे ख्याल में ऐसा हुआ था सो यू हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट व्हाट यूर सेंग एथिकल जो ऑनेस्टी है वो भी इधर आ जाती है एथिक्स आ जाते हैं कि डोंट क्लेम मोर देन व्हाट यू आर श्योर ऑफ और ख़ास ख़ासतौर पे क्रिएटिविटी में हम एग्जैजरेट करते हैं तो वहाँ हमें थोड़ा सा क्रिएटिव नॉन फिक्शन में केयरफुल होना पड़ता है कि वी डोंट एग्जैजरेट टू द पॉइंट ऑफ इट बिकमिंग अन ऐथिकल डोंट फोर्स योर एंडिंग्स जैसे हमारी जिंदगी जो है हमारी डेथ पे एंड होती है ज़रूरी नहीं है कि किताब जो है वो एक ऐसे मौके पे एंड हो जहाँ उसको होना नहीं चाहिए छोड़ दें उसको ओपन छोड़ दें रीडर को यह पता होना चाहिए कि जिंदगी चलती जा रही है अभी ख़त्म नहीं हुई है सीन्स इन स्टोरीज हैव टू बी ए बिल्डिंग ब्लॉक एक स्टोरी की तरह लिखेंगे तो पहले फाउंडेशन ले करेंगे फिर उसके ऊपर और कहानी फिर और कहानी फिर और कहानी और फिर रीडर जो है वो उसको एक पिक्चर बनती चली जाएगी उसके दिमाग में सो यू हैव टू राइट दैट आउट एंड यू हैव टू राइट योर फैक्ट्स आउट इन अ टाइम इसी तरह स्टोरी बनती है शुरू से लेके एक पॉइंट ए से लेकर पॉइंट जी तक आप अपने रीडर को लेकर जा रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर रीडर इज गोइंग अलॉन्ग विद यू एंड नोज द क्लियर टाइम सो बी क्रिएटिव इवन यू यूर राइटिंग नॉन फिक्शन एंड हैव फन राइटिंग इट थैंक यू